हेलो स्टूडेंट्स आवर यू आई होप यू आर आर गुड बच्चो वेरी गुड सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज रिलेटेड टू फ्रेजेज एंड क्लोजेज रीड एंड राइट वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है वो आपको यहां पर राइट डाउन करना है वर्ड्स और सेंटेंसेस को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आपको लिखना खुद से है If the dress is on sale, she will buy it. So long as you know, I will be waiting for you. Whenever you come to visit, make sure to bring food. Until the sunset, I will stay with you. Because he ran, he was able to catch the bus. An independent group of words makes sense on its own, while the dependent group of words Stand by as a लेकिन इनडिपेंडेंट जो होते हैं जो किसी ना किसी पर डिपेंड रहने वाले इंडिपेंडेंट तो खुद करेंगे लेकिन डिपेंडेंट वाले जो ग्रुप होंगे बच्चे वो वर्ड होंगे वो कहीं ना कहीं अपने कंप्लीट सेंस के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ही एंटर द रूम टू गो टू बैड सो एंटर Why? Entered किस लिए किया रूम के अंदर To go to bed. He entered the room that he might go to bed. So entered यहाँ पर why? क्योंकि reason दिया यहाँ पर proper तरीके से इसलिए depend है He entered the room बोल दिया लेकिन complete करने के लिए sentence उसको depend रहना पड़ेगा next sentence पर The two sentences carry identically meaning. In the first sentence the word to go to bed does not contain a subject and its predicate. So it is a phrase.

प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुछ कलर वर्ड है कलर्ड है तो ये क्या है हैं? तो आप ऐसा सोचते हैं तो फ्रेजेस की डिफाइन आपको पता रहेगी तभी तो आप पता लगा पाएंगे सो so, फ्रेज की डिफाइन यहाँ पर करते हैं रीड आउट बच्चे अ फ्रेज इज अजिकल ग्रुप ऑफ वर्ड इन अंटेंस दैट मे वर्क एज अउन Adjective, verb, adverb, or preposition. It conveys a single meaning, but its sense is dependent on the sentence as a whole. It does not contain a finite verb, but it can contain a non finite verb. Read the following sentence. एज पर द रूल्स द स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी क्लासेस इन द बोर्ड एग्जाम इन देंटेंस देर आर फोर ग्रुपिकली सो दीज आर फ्रेजेस लॉजिक होना चाहिए बच्चे अगर लॉजिक नहीं होगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो आप देख रहे हो एज पर द रूल्स यहाँ तक एक फ्रेज हो गई द स्टूडेंट इन सेकेंडरी क्लास यहाँ पर सेकेंड है बोर्ड एग्जाम तो ये करके क्या है बच्चे जो फोर फ्रेजेस है वो कंप्लीट ग्रुप बनता है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का और लॉजिकली है इसलिए इसको क्या बोलेंगे फ्रेजेस टाइप्स ऑफ फ्रेजेस फ्रेजेस कितनी तरह की होती हैं वो रीड आउट करेंगे बच्चे डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन द फ्रेजेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू फाइव टाइप्स फर्स्ट इज नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेज वर्ब फ्रेजेज एडवर्ब फ्रेजेज फर्स्ट फोर को पढ़ने वाले हम फर्स्ट इज नाउन फ्रेजेस इन नाउन इज कॉल्ड इट मे अ नाउन और प्रोनाउन एज इट्स मेन वर्ड फॉर एग्जाम्पल द होल क्लास वॉज सिटिंग साइलेंटली अंटिल अराइवल ऑफ द टीचर आई एंटर द बार्बर शॉप दे आर ट्राइंग टू विन द ट्रॉफी To become a successful man should be our motto. Adjective phrases: si hoti hai a group of words in a sentence that functions like an adjective is called an adjective phrase. Adjective phrases: example, the students of this school are playing a game of cricket with the members of Alexander's club. He is a leader of great qualities. The young man with a red cap is not my friend. The workers were carrying a chest made of leather. Next is verb phrases. A verb phrases contains different forms of verb and functions like a single verb. For example, she is playing a game of Ludo. The must have met you on the road. You will have been digging a pit at this time tomorrow. It has been raining hard. Next is adverb phrases. A group of words in a sentence that functions like an adverb, is called an adverb phrases. adverb ki hi action kare, usi ki functions kare, to unko bolenge adverb phrases. For example, she barked into the room all of a sudden. The mountaineers faced all challenges with courage. They walked twenty miles. Will you come tomorrow morning? So, इस तरह से आपने सीखा एडवर्ब्स के अलग अलग तरीके एडजेक्टिव के बेस पर नाउन के बेस पर और सभी फ्रेज़ेस को होती है बच्चे अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैजेक्ट एंड प्रिडिकेट ऑफ इट्स ओन उसका प्रिंडिकेट और सब्जेक्ट खुद ही होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वी स्टॉप एट द रोड साइड एंड Looked at the pedestrians. The sentence is a combination of two sentences joined by and. We stopped at the roadside. We looked at the pedestrians. The word we is the common subject for both clauses. Only their pedestricates are different. Thus, these are clauses. A clause may have an independent subject too. For example, the news is that our science teacher has retired.

थ्री टाइप्स ऑफ क्लोजिज है फर्स्ट बच्चे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अभी मेन प्रिंसिपल क्लोज इज़ द चीफ क्लोज इन द सेंटेंस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लोज फॉर इट्स मीनिंग मीनिंग के लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहती सेकेंड इज कोऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेट करती हुई चलती है A coordinate clause is an independent clause in a sentence and can express its meaning fully. For example, Ravi is a bowler and Karthik is a batsman. There are two clauses in this sentence Ravi is a bowler and Karthik is a batsman. Both of these clauses have their independent meaning, only they are joined by and. You can see that both of these clauses have independent meaning subjects and predicates the first clause is the principal clause and the second clause is the coordinate clause since both of these have independent meaning we can also say that both of these are coordinate clauses look at the some more example i saw the girl who has a golden hair she spoke to the manager and ordered for five pairs of scissors all children were playing in the park which was newly laid डोंट ईट द मैंगोज वेच आर नॉट राइव नो द रोप कॉर्डिनेट जो क्लोजिज होती है बच्चे आर ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइंट होती है एग्जाम्पल के लिए एंड बच ओर नोर फोर येट स्टिल सो बोथ हैंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा इनसे इनको ज्वाइन किया जाता है लास्ट वन इज सब ऑर्डिनेट क्लोज A subordinate clause is a clause in a sentence which is dependent upon any other clauses for its meaning. For example, I reached home before the rain started. This sentence has two clauses I reached home before the rain started. So, this is dependent. The first clause has an independent meaning. And is not dependent on the other clause for its meaning. So, it is the principal clause, however, the second clause Johavache cannot stand as an independent sentence. So, we can say that it has no sense of its own or that is meaning is dependent upon the other clause for its full meaning. So, it is a subordinate clause is lesko bolte hain. Look at some more examples i reached the place where my friends were waiting for me they hired a servant who will take care of the garden the information that some terrorists have interrupted in your charity is already with us we cannot go until they come back know the ropes a subordinate clause is joined to the principal clause by a subordinating conjunction

Conditional clauses, conditional clauses, in a conditional clauses, the fulfillment of a condition depends on the fulfillment of the preposition of the sentence. It may be of two types, open or real condition and hypotheticals or unreal condition. In an open condition, the condition may or may not be fulfilled and depending on it, the preposition of the sentence may or

कंडीशनल क्लोजिस को देखते हैं कि कंडीशन पर अप्लाई करती है कंडीशन होगी तब ऐसा हो सकता है इफ इट वर क्लाउडी ही वुड कैरी एन अम्ब्रेला इट इज ऑलमोस्ट अनलाइकली और इम्पॉसिबल टू बी क्लाउडी अब इसमें भी कोई शोरिटी नहीं है क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड है बच्चे इफ अल कंडीशन सेंटेंस परटेन्स टू बी दस्ट टाइम इट वुड बी फ्रॉम एज फॉलोज इफ गोविंद हैड सॉट हेल्प आई वुड है दिस इज एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल सिचुएशन पर्टेनिंग टू द पास टाइम तो यहां पर भी इम्पॉसिबल सिचुएशन को वो शो कर रहा है पिक यूर ब्रेन सो यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर से रिगार्डिंग so, चैप्टर को थोड़े पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है जो भी एक्सरसाइज है बच्चे डू इट योर सेल्फ